तोश वाला क्रीम, तोश वाला क्रीम है, ये अच्छा सा क्रीम है, ये अच्छा सा क्रीम, अच्छा 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 क्रीम। क्या स्पेशलिटी है इसकी? 10 ग्राम है, 10 ग्राम है। ये कितने मिलते हैं? 10 ग्राम 10 ग्राम 1500। रहस्यों से भरी पार्वती वैली हर कदम पर रोचक तथ्यों को लेकर बैठी हुई है। अपने सफर के पहले दिन हमने पार्वती वैली के छलाल ट्रैक को पूरा किया। इस छोटे से ट्रैक में आपको एक तरफ जीवनदायिनी पार्वती नदी बहती हुई मिलती है और दूसरी तरफ मिलता है घना जंगल। ये सफ़र ख़त्म होता है छलाल गाँव में। यहाँ से आप आगे रसोल गाँव भी जा सकते हैं। छलाल ट्रैक के रास्ते में हमें वो क्रीम भी देखने को मिली जिसके लिए इजरायली और इटालियन यहाँ खींचे चले आते हैं। चलिए सफर की शुरुआत करते हैं। पार्वती वैली के हमारे सफर में हमारा पहला पड़ाव था छोज गांव। सोचा तो ये था कि सुबह 10 बजे तक हम छोज गांव पहुंच जाएंगे और अपने कैंप में बैठकर पार्वती नदी को देख रहे होंगे। लेकिन वो कहते हैं ना, जैसा सोचो ज़रूरी नहीं कि हर बार वैसा ही हो। दिल्ली के मूरी गेट से इस गांव की कुल दूरी 521 किलोमीटर की है, लेकिन यहां पहुंचने में ऐसा लगा कि सदियां गुजर जाएंगी। इसकी वजह थी हाईवे का काम। अब सुरंगें बनेंगी, पहाड़ टूटेंगे, पुल खड़े होंगे तो धूल भी उड़ेगी और रास्ता जाम भी होगा। हमारे साथ भी ऐसा हुआ। जहाँ पहुँचना था 9:45 बजे भुंतर, वहाँ हम पहुँचे 12 बजे के बाद। 8 बजे के बाद भुंतर से पार्वती वैली के लिए बसों की नो एंट्री है, इसलिए हमें जिंग बस वालों ने अपनी सुमो गाड़ियों में बिठाकर कसौल भेजा। यहाँ लगा कि जैसे हमारा पैसा वसूल हुआ। हम 1:30 बजे के बाद अपने प्यारे से कैंप में पहुँचे, फटाफट फ्रेश हुए, वहीं लंच किया और बचे हुए टाइम का भरपूर इस्तेमाल करने के लिए झटपट निकल गए छलाल ट्रैक के लिए। हाँ, एक चीज़ और, अब हमारा प्लान शेड्यूल से काफ़ी उलट हो चुका था, तो आगे जो हुआ होता चला गया, तो बोलो जय शिव शंकर की। छलाल ट्रैक पर एक तरफ पार्वती नदी आपका स्वागत करती है तो दूसरी तरफ घने जंगल। हाँ, रास्ते में थोड़ा सावधान रहने की भी ज़रूरत है। इसकी वजह है रास्ते में अस्त व्यस्त मौजूद चट्टाने। बड़ी बड़ी शिलाएं हैं रास्ते भर में। ये देखिए चट्टानों का रूप देखिए, बहुत ही बड़ी बड़ी चट्टाने हैं और देवदार के वृक्ष। ये देखिए पेड़ है, एक विशाल पेड़ है और पेड़ के बीच में एक पत्थर दबा हुआ है, तो सदियों लगे होंगे इस पेड़ को यहाँ पर उभरने में, और पेड़ जब उभरा है तो इसने पत्थर को किस तरह दबा दिया, ये देखिए आप। ई का बा, भांग का पौधा वही लग रहा है। ये बा मलाना के क्रीम, ई बा मलाना का क्रीम बा, पर मुंह पे ना लगाने का। जगह जगह गिरी शराब और बियर की बोतलें देखकर दुख का एहसास हुआ। मुझे लगा कि प्रकृति हमें छुट्टियां बिताने का बेहतरीन मौका दे रही है और हम हैं कि उसके शोषण से बाज नहीं आ रहे हैं। छलाल ट्रैक तब इंटरेस्टिंग हो गया जब हमें इसी ट्रैक पर क्रीम के 3 एक्सपर्ट मिल गए। इन भाइयों ने हमें क्रीम की वैरायटी के बारे में बताया, ये क्रीम सबसे बेस्ट कहाँ मिलती है ये बताया, और इसे बनाते कैसे हैं इसकी भी संपूर्ण विधि बता दी। इनसे बातचीत में ही हमें पता चला कि यहाँ यानी पार्वती वैली में ग्रहण नाम का भी कोई गांव है जहाँ का माल सर्वोत्तम होता है। अब इनसे बात की और बात करने के बाद फ़ोटो भी खिंचवाई, और फ़ोटो खिंचवा के हम बढ़ चले फिर से आगे। सो गाइज, इस रास्ते से हम अभी आए हैं और इस रास्ते से
ये दो रास्ते डिवाइड हो जाते हैं। ये जो फ्लाईओवर का रास्ता आप देख रहे हैं, ये निकलेगा कसौल मार्केट के लिए, जहाँ पे हम मॉर्निंग में उतरे थे आफ्टरनून में। और ये जो रास्ता है, ये रास्ता आप जा रहे हैं चलाल ट्रैक के लिए, जिस पे हम आगे जाएंगे और रसौल की तरफ बढ़ेंगे। तो अभी चलते हैं और आप देख सकते हैं मैं यहाँ से वीडियो बंद कर रहा हूँ क्योंकि बहुत गहरा। ये देखो संजय कहाँ से गया, कूद जाऊँ क्या? चलाल जाते हुए हमें एक ऐसे घर का कंस्ट्रक्शन देखने को मिला जिसे हिमाचली शैली में बनाया जा रहा था, तो हम इस घर में भी पहुंच गए। दोस्तों देखिए, आप जब घरों को देखते हैं तो जो पहाड़ी घर होते हैं, जैसे ये हिमाचली घर है, तो इसकी एक खासियत है, यहाँ देखिए लकड़ी का बहुत इस्तेमाल किया गया है। ये लकड़ी के पिलर्स हैं, लकड़ी के पिलर्स पे खड़ा है ये घर और अभी यह नया बन रहा है। तो जो जो राजमिस्त्री इसको बना रहे हैं उनसे बात करते हैं। रामयोग, हाँ जी, कहाँ से हैं आप? मैं तो भुंतर से भाई। भुंतर से? हाँ जी। तो लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि जैसे ये जो घर है, नीचे जो पिलर्स हैं इसके, वो लकड़ी के बने हुए हैं। तो लकड़ी के पिलर्स क्या मतलब, ऐसा नहीं था कि कमजोर हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता? नहीं नहीं भाई, ये तो चलेंगे इतना 100 साल। लकड़ी ऐसी है ना, देवदार उसको बोलते हैं। लकड़ी कौन सी है? देवदार। देवदार, तो देवदार की जो लकड़ी होती है वो चलती है। तो ये कब से हिमाचली घरों में कब से इस्तेमाल हो रहा है? ये तो बोल ही सकते भाई, हजार कई सालों हो गए, बहुत पुरानी रीति रिवाज, रीति रिवाज हमारे। तो सभी हिमाचली घरों में लकड़ी इस्तेमाल होती है? सभी पहले उसको मशीनों में अंदर दाई करते हैं ना। अच्छा, उसको घिसते हैं? घिसते हैं। अच्छा, फिर? फिर उसके बाद उसका चौस बना के, उसके बाद चौसठ बनाते हैं, मतलब उसको चौकोर बनाते हैं, चौस करके। अच्छा, नीचे लगा देते हैं। लेकिन घर टिका हुआ है, बहुत बड़ी बात है, लकड़ी के ऊपर पूरा घर टिका हुआ है। और ये भी आप लोग लकड़ी से बना रहे हैं, तो ये भी देवदार ही है भाई? बेसिकली गांव में तो यही मिलेगा। अच्छा, नहीं महंगा पड़ता है फिर भी लोग बनवा रहे हैं? जी हाँ। इसकी वजह भाई लकड़ी घुल गया है गाँव में, लकड़ी बहुत है, मतलब लकड़ियाँ हैं तो फिर लकड़ी पे बनवाएंगे लोग। ये क्या खा रहे हो आप? टॉफी, क्या बोलते हैं इसको? चुस्की। ये भी चुस्की है, तो खत्म हो गई। लेकिन हम छलाल गाँव पहुँचने से पहले हमारा स्वागत किया बचपन की प्यारी सी मिठास ने। छलाल गांव पहुंचकर एक कैफे में हमने शाम का खाना खाया। हमने जहां खाना खाया वहां जूते उतारकर पलथी मार कर बैठे। खाने और माहौल दोनों ने समा बांध दिया। हाँ, अगर आप चाहें तो छलाल में रहने के लिए ढेरों ऑप्शंस भी हैं। इस कैफे के बगल में ही एक स्टे दिखा जहां एक शख्स 1,000 रुपये देकर एक रात के लिए स्टे कर सकता है। छलाल से आगे एक रास्ता रसोल गांव भी जाता है। रसोल गांव अपनी खास क्रीम के लिए जाना जाता है। हम लेट हो गए थे तो वहां नहीं गए, लेकिन अगर आप चाहें तो जा सकते हैं। छलाल से हमने यू टर्न लिया और बढ़ चले कसौल की तरफ। रास्ते में पार्वती नदी के किनारे बैठे, खूब सारा फोटो सेशन किया और वीडियो भी बनाए। इसके बाद आगे बढ़ते हुए रास्ते में हमें वो लोग मिले जिनकी मेहनत ने हमें चौंका दिया। वो रेफ्रिजरेटर को पीठ पर लाद कर कसौल से छलाल जा रहे थे। मन में ख्याल आया कितनी मेहनत करके लोग कमाते हैं इस पेट के लिए। खैर, इन लोगों की प्रॉब्लम भी जल्द ख़त्म होने वाली है। दोस्तों, वो छलाल से लौट रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं कसौल के लिए। तो आप ये देखिए जो ये रास्ता बन रहा है अभी, देखिए ये क्रेन भी यहाँ लगी हुई है और ये जो है पत्थरों को तोड़ के उसका जो समतलीकरण है वो काम यहाँ चल रहा है। तो ये जो रास्ता है, आप आने वाले वक्त में आप शायद बाइक से या गाड़ी से छलाल विलेज तक पहुँच जाएँ, क्योंकि ये जो डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है ये बहुत ही तेज़ इसका काम चल रहा है। और बड़ी बात ये है कि इस काम को जो है वो डोनेशन के ज़रिए किया जा रहा है, और ये डोनेशन कोई गवर्नमेंट ने नहीं दिया है, ये डोनेशन यहाँ के गांव के लोगों ने दिया है। और हमें इस बात को जो बताया है वो इस काम में, इस प्रोजेक्ट में लगे हुए लोगों ने बताया है, बट वो कैमरे के आगे नहीं आ पाए। तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि गांव के लोग पैसा जोड़कर इस रास्ते को बना रहे हैं ताकि हम लोग, आप लोग छलाल गांव पहुंच सके। रात बढ़ रही थी और हम बढ़ रहे थे कसौल की गलियों की तरफ। कसौल पहुंचे। कसौल में हमने क्या क्या किया वो आप अगले वीडियो में देखेंगे। कसौल की कहानी, इसराइलियों से उसके रिश्ते का इतिहास हमने खंगाला। इसके बाद हमने स्नैक्स खरीदे और फिर चल दिए वापसी की राह पर। छोज गांव के लिए बने पुल पर लाइट का कोई इंतज़ाम नहीं है। तो गाइस, हम वापस अपने कैंप की तरफ बढ़ रहे हैं, उसी रास्ते पर जिस पर सुबह गए थे।
और वासु भी मेरे साथ है हमेशा की तरह। अभी हम दिखेंगे नहीं, बस ये हल्का हल्का जो रास्ता दिख रहा है वही आपको दिखेगा। और ये सामने देखो एक लाइट चल रही है ना छोटी सी, वो हमारे बाकी दो साथी है जिन्होंने टॉर्च पकड़ा हुआ है। और बस अब हम कैंप की तरफ बढ़ रहे हैं, देखते हैं कैंप में बॉनफायर हो रहा है या क्या हो रहा है। देखिए दोस्तों रात को नदी जितनी ही अच्छी, दिन में जितनी ही अच्छी दिखती है, रात को उसकी आवाज़ उतनी डेंजर भी लगती है। सुनो आवाज़ तो सुन सकते हो ना, और ये पुल ऐसे हिल रहा है भाई। हेलो कर क्या रहे हो तुम? हमारी सलाह है कि जितने फ़ोन हो सभी के फ्लैश ऑन कर लें, वैसे टॉर्च लेकर आना भी बेहतरीन ऑप्शन रहेगा। अंधेरे में पार्वती नदी के पानी का शोर आपको कुदरत के और भी पास ले जाता है। ये ऐसा पल होता है जब आप कुछ भी देख नहीं पाते हैं, सिर्फ महसूस कर पाते हैं। अद्भुत पल होता है ये भी। दिल वाली फीलिंग तो ऐसी है दोस्तों कि छोज की रात अब तक की बेहतरीन रातों में से एक बन गई। कैसे वो सीक्रेट रहेगा। हाँ आगे के व्लॉग्स भी कम बेहतरीन नहीं होने वाले हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं कसौल की कहानियों और इजरायलियों से उसके रिश्ते की हिस्ट्री के साथ। कीप ट्रैवलिंग, गुड बाय।